और आज भी जब हम एलजी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी विनती कर रहा हूं यहां के युवाओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर और सांसद जो बेंगलुरु से हैं, तेजस्वी सूर्या इस समय जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पे हैं और वहीं उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि वह जम्मू कश्मीर में हो रहे रिक्रूटमेंट स्कैम्स का मुद्दा एलजी माननीय मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं उनके समक्ष रखेंगे। मैं बता दूं आपको कि तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के महाजन संपर्क अभियान के चलते इस समय दो दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। आज उन्होंने जहां अलग अलग जगह अलग अलग डेलीगेशन से यूथ से मुलाकात की, वहीं एक बड़ा बयान उनकी तरफ से ग्रेटर जम्मू से बातचीत करते हुए कि वह जम्मू कश्मीर में नौजवानों के साथ हो रही जायती जहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम्स चल रहे हैं इसका मुद्दा जो है वो एलजी मनोज सिन्हा से उठाएंगे। मोदी जी के सरकार के 9 साल संपन्न हो चुका है। बहुत तेज़ गति से पिछले 9 साल में विकास का काम यहाँ भी हुआ है, युवा केंद्रित विकास हुआ है। इसको युवा तक पहुँचाने के लिए, उनको बताने के लिए और यहाँ की जनता को मौका देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ आए हैं। सूर्य जी, आप युवा दिलों की धड़कने भी हैं, अक्सर आपको युवा जो फॉलो भी करते हैं, लेकिन जम्मू की बात करें रिक्रूटमेंट स्कैम्स बढ़े चले तो उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं इससे हताश भी हैं। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने का काम सरकार कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं का जो आशा अपेक्षा है उसके आधार पर ठीक निर्णय सरकार लेगी। और आज भी जब हम एलजी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी विनती कर रहा हूं यहां के युवाओं की ओर से। सूर्य, आखिरी सवाल रहेगा, आप लोगों से मिल रहे हैं, विचार जान रहे हैं, इलेक्शन कहीं ना कहीं लोग चर्चा में कर रहे हैं, चाहते हैं, आपको लगता है कि ऐसा है आपसे जब लोग मिले तो इलेक्शन की ज़रूरत है? देखिए, पार्टी का कमिटमेंट है, सरकार का कमिटमेंट है कि जब परिस्थिति अनुकूल हो तब जल्द से जल्द हम चुनाव करेंगे और कमिटमेंट के आधार पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सरकार इस प्रकार की है। जल्द से जल्द जब भी यहाँ की स्थिति चुनाव करने के लिए अनुकूल होगा तब बिल्कुल सरकार चुनाव को करेंगे। युवाओं को संदेश देना चाहें, मोदी जी के कार्यकाल में युवाओं के केंद्रित बहुत बड़ा विकास हुआ है, युवा इस विकास के सबसे बड़ा उपलब्धि है। मैं यहाँ के युवाओं से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से आप 19 में 14 में मोदी जी को समर्थन दिए थे उसका फ़ायदा आपने अनुभव कर रहे हैं, फिर एक बार 24 में भी मोदी जी के हाथ आप मजबूत करें और एक नया जम्मू कश्मीर, स्वर्णिम जम्मू कश्मीर बनने का संकल्प को आप सिद्ध करें। हालांकि कितनी जल्दी इस मुद्दे पे बातचीत होती है और कितनी जल्दी जो यूथ है जम्मू कश्मीर का इसके ऊपर न्याय मिलता है जाने वाला वक्त रहेगा। अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक व शेयर करना भूलिएगा। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।